स्टडीड अवर चैप्टर नंबर 16 द रेड राइस ग्रैनरी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो राइटर हैं सुधा मूर्ति जी, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछती हैं, अपनी ग्रैंड मदर से, कि हम ये जो है नाइट में हमेशा ये रेड राइस क्यों खाते हैं और हम जो पुअर पीपल रहते हैं उन्हें बेटर क्वालिटी का राइस क्यों देते हैं। तो उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। माई ग्रैंड मदर कृष्टकट स्माइल्ड एंड टोल्ड मी समथिंग आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ। तो मेरी जो ग्रैंड मदर है कृष्टका, उन्होंने स्माइल करी मुझे और मुझे कुछ ऐसा कहा जिसे मैं मेरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। चाइल्ड वेन एवर यू वॉन्ट टू गिव समथिंग टू समबडी गिव द बेस्ट इन यू। तो वो बोलती हैं कि अगर तुम किसी को कुछ देना चाहती हो तो हमेशा जो तुम्हारे पास जो है उसे उसका बेस्ट दो, नेवर द सेकेंड बेस्ट, कभी भी जो सेकेंड बेस्ट नहीं देना। डेट इज वॉट आई हैव लर्न फ्रॉम लाइफ, और यही मुझे ज़िंदगी से सीख मिली है। गॉड इज नॉट देयर इन द टेम्पल मॉस्क और चर्च। जो गॉड है वो कहीं किसी टेम्पल पे नहीं है, मॉस्क में नहीं और चर्च में नहीं है। ही इज विद द पीपल, ये किसके साथ है, पीपल के साथ है। इफ़ यू सर्व देम विद वॉट एवर यू हैव सर्वड गॉड। अगर तुम किसी को कुछ दे रहे हो जो भी तुम्हारे पास है, तो तुम किसको दे रहे हो, गॉड को दे रहे हो। माई ग्रैंड फादर आंसर्ड माई क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे। उनके जो ग्रैंडफादर है उनका, उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग तरीके से दिया। अवर एंसेस्टर्स हैव टॉट अस इन द वेदास दैट वन शुड, वो बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज है उन्होंने वेदास में हमें सिखाया है, डोनेट विथ काइंड वर्ड्स, मतलब हमेशा दया से कुछ, हमारे जो काइंड वर्ड्स अच्छे विनम्र शब्दों से कुछ डोनेट करो, डोनेट विथ हैप्पीनेस, खुशी से डोनेट करो, डोनेट विथ सिंसियरिटी, मतलब अच्छी, मतलब सोच से, मतलब जो सिंसियरिटी से, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी यूजलेस मटेरियल देते हैं, मतलब जो यूज़फुल मटेरियल हमें वही देना चाहिए। डोनेट ओनली टू द नीडी, जो नीडी लोग हैं, जो वाकई में जिसको ज़रूरत है उन्हें डोनेट करना चाहिए। डोनेट विदाउट एक्सपेक्टेशन बिकॉज इट इज़ नॉट अ गिफ्ट, इट इज़ अ ड्यूटी। डोनेट मतलब बिना किसी से कोई उम्मीद लगाए डोनेट करना चाहिए, क्योंकि हम कोई किसी को गिफ्ट नहीं दे रहे, ये हमारी ड्यूटी है। डोनेट विथ योर वाइफ कंसेंट, हमेशा डोनेट करना चाहिए, तो अपनी वाइफ की रजा, मतलब जो वाइफ है उसकी रजामंदी से करना चाहिए। डोनेट टू अदर पीपल विदाउट मेकिंग योर डिपेंडेंट हेल्पलेस। हम अगर किसी नीडी को अगर कुछ डोनेट कर रहे हैं तो हमें हमारे जो हम पर जो लोग डिपेंडेंट हैं हम उनको हेल्पलेस नहीं कर सकते कि हमारे पास अगर कुछ नहीं बचा अगर हम किसी को कुछ डोनेट कर रहे हैं तो, नहीं, हमको पहले हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं, जो हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी पूरी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, फिर तभी हम कुछ दूसरे लोगों को डोनेट कर सकते हैं। डोनेट विदाउट केयरिंग फॉर कास्ट क्रीड एंड रिलीजन, डोनेट करना चाहिए बिना किसी जात के भेदभाव या किसी धर्म के, मतलब हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति किस धर्म का है। डोनेट सो डेट द रिसीवर प्रॉस्पर्स, हमें डोनेट करना चाहिए ताकि जो रिसीवर, मतलब जो ले रहा है हमसे, वो उसके पास सुख समृद्धि आए। दिस लेसन फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स टोल्ड टू मी वेन आई वॉज जस्ट अ लिटिल गर्ल। तो वो बता रही है राइटर कि ये जो लेसन जो मुझे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से मिला है वो मुझे तब, उन्होंने मुझे तब कहा था जब मैं एक छोटी सी लड़की थी। हैज स्टेड विथ मी एवर सीन, और वो आज तक मेरे साथ है अभी भी। If at all I am helping anyone today, it is because of the teachings by those simple souls. अगर आज तक जो भी मैं किसी की भी मदद कर पाई हो तो वो किसकी वजह से, because of उनकी शिक्षा की वजह से जो उन्होंने मुझे दी है। I did not learn them in any school and or college. और ये मुझे किसी नहीं किसी स्कूल में और कॉलेज में नहीं सीखा है मैंने, ये मैंने किससे सीखा है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से सीखा है। ओके, थैंक यू।